क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आज हम पार्ट 3 ला के आए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करा रखा है जिसमें आप बेसिक्स और सारे क्वेश्चंस कवर हैं, एक एक क्वेश्चन कराए हैं डिटेल में, ठीक है। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 19 23 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी सभी चैप्टर कंप्लीट हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू जीरो। लैम्डा के किस वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, और आप क्या कह सकते हैं, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पर क्या बोल सकते हो आप, ठीक है। ये हमसे बोला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ऐसे लिखेंगे गिवन, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक। ये फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और चेक कर क्या करना, पहले ही बोल रखा है कि किस लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस होगा ये बोला है किस वैल्यू पर लैम्डा के लिए, तो हमें क्या करना होगा कंटिन्यूटी के लिए। आपको पता है LHL किसके इक्वल होता है, RHL, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन जीरो पे काउंट कर रहे हैं तो जीरो माइनस h, यानी कि जीरो माइनस h का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, f माइनस h, मतलब जीरो से कम के लिए चेक कर रहे हैं, है ना। LHL का मतलब क्या होता है, जीरो से कम के लिए। तो जीरो से कम के लिए फंक्शन कौन सा, देखो लेस देन का सिंबल है यहाँ पर, ये हमारे पास फंक्शन है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मेरे को क्या रखना है, माइनस के एच इस फंक्शन में, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, वैसे तो यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस माइनस टू एच, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से एच कॉमन है तो यहाँ से बचेगा एच प्लस टू, ठीक है। एच के प्लस पे ज़ीरो रखोगे, यहाँ पे एच मल्टीप्लाई में तो समथिंग एच की जगह पे ज़ीरो रखते हैं, इसको क्या पूरा बना देगा, ज़ीरो, ठीक है। तो लैम्डा तो हट गया, ज़ीरो आ गया। अब देखो और अब निकालोगे LHL निकालो, RHL निकालो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ज़ीरो पे काउंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस h, ठीक है। अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू देखा है तो ये सब का आइडिया होगा आपको, फंक्शन क्या है, ज़ीरो से बड़े के लिए लेना है RHL में, LHL में छोटे के लिए लेते हैं, RHL में बड़े के लिए लेंगे क्योंकि ज़ीरो पे काउंट कर रहे हैं, ज़ीरो से बड़े के लिए ये फंक्शन है हमारे पास। तो x की जगह पे क्या रखना, ज़ीरो प्लस h, यानी कि h, h की जगह रख देंगे ज़ीरो, तो फोर इंटू ज़ीरो प्लस वन यानी कि वन, ठीक है। सो आपको देखने को मिल रहा है सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो आई है और राइट हैंड लिमिट वन आई है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। यह आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर, ठीक है।
ये हमें मिल गया पहले पार्ट का आंसर। अब हमें क्या करना है, अब हमें काउंट करना है। क्वेश्चन में बोला था व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ टू वन, एक्स इज़ टू वन पे कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ टू वन पर, ठीक है। सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो किस पे चेक कर रहे हैं, वन पे, वन माइनस एच, एक से कम के लिए। देखो ये जो फंक्शन है वो ज़ीरो से कम के लिए है, ये एक से कम होगा ये पता नहीं है हमें, ये तो ज़ीरो से कम के लिए, ये एक से कम के लिए नहीं है। तो ये वाला फंक्शन बोला है कि ज़ीरो से बड़ा है, तो इसको ज़ीरो से बड़ा यानी कि एक भी तो हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, पॉइंट फाइव वो भी ज़ीरो से बड़ा होता है। तो इस फंक्शन को मेरे को इस क्वेश्चन में ज़ीरो से वन से बड़े के लिए भी कंसिडर करना है और वन से छोटे के लिए भी इसको ही कंसिडर करना है। क्यों, ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और वन से छोटे के लिए भी इसको ही कंसिडर करना है क्योंकि ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो से बड़ा तो पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव वन से छोटा होता है। तो मैं दोनों केस में एल एच एल में भी और आर एच एल में इसी को ही कंसिडर करूँगा, ठीक है, आया समझ में। तो वन माइनस एच जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मेरे को क्या रखना है, वन माइनस एच, तो वन माइनस एच प्लस वन, एच की जगह पर ज़ीरो रख देंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो फोर प्लस वन यानी कि फाइव आ जाएगा, ठीक है, फाइव आ गया। अब आर एच एल निकालो, आर एच एल लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन वन प्लस एच, वन से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन है सिमिलरली, है ना, वही फंक्शन आ जाएगा। बस फोर यहाँ पर ये कर देना है, एच की जगह पर ज़ीरो रखो तो ये भी फाइव आ जाएगा। अब वन पे चेक करना होता है तो वन के लिए तो पता ही नहीं, एग्जैक्टली वन पे नहीं है, तो एल एच एल और आर एच एल इक्वल आ गए हैं, क्या बोलेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देयर फोर इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इज़ टू वन, ये हम बोल देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को बड़े बड़े विद्वान बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पता नहीं होता कि कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी ट्रिक्स हैं। एक्चुअली ये जो फंक्शन होता है ना, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या, ठीक है, व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाई मैथमेटिक एनालिसिस, तो आपको मेरी वीडियो टॉप पर दिख जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहे हैं हम, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन डिफाइन बाई, ये जो फंक्शन जी एक्स हमें डिफाइन कर रखा है, बोल रहे हैं कि ये डिसकन्टिन्यूस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पर, मतलब वन लो, टू लो, थ्री लो, माइनस वन लो, कुछ भी ले लो, हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, डिसकन्टिन्यूस है। हियर ये जो ब्रैकेट बड़ा वाला सिंबल है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमें स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं बोला है, लेकिन ये बोला है कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर, इंटीग्रल में तो सारा आ जाता है ना, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स इसको टू सी पे काउंट करना, वेयर सी जो है वो बिलोंग्स करता है आई में, मतलब सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में नहीं बोला है, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर ये क्या होगा, डिसकन्टिन्यूस होगा, वो मेरे को शो करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक मदद ग्राफ की, ठीक है, और कई लोगों को ये पता नहीं है, वो हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दूंगा। ये आपका मेन पॉइंट क्या है, एक्स इज़ टू सी, यहाँ रखो, अब सी से एक थोड़ा बड़ा ले लो,
एक मतलब फिक्स मेजरमेंट प्लस वन कर देता हूँ, यहाँ सी प्लस वन है, यहाँ मैं इधर प्लस वन है तो इधर लेफ्ट में माइनस वन, और इसके नेबरहुड दो पॉइंट ले लो, ये वाला सी प्लस एच, ये वाला सी माइनस एच, नेबरहुड का मतलब बहुत ही पास है। अब जब कोई पॉइंट कंटिन्यूस तभी होता है जब इस पॉइंट पे और इसके दोनों नेबरहुड पॉइंट पे ये जो तीनों वैल्यू आती है वो सेम आती है, तब जाके वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए कंटिन्यूस बोला जाता है। वही चीज़ हम काउंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, हियर जो गिवन फंक्शन हमारा है जी एक्स, वो हमें दे रखा है, ये सिंबल का एक्स है और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है। ये हमारा गिवन फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड में निकालो, फॉर्मूला वही रहेगा, किस पे काउंट कर रहे हैं, सी पर काउंट कर रहे हैं, तो सी माइनस एच, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, c माइनस एच, तो x की जगह c माइनस एच, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है c माइनस एच। जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप सिंप्लीफाई नहीं करते तो आप तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। c माइनस एच कहाँ है, देखो ये c माइनस एच, हमेशा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करो ना तो c माइनस एच ढूंढो, ये सी माइनस एच यहाँ दिख रहा है, इसके लेफ्ट में लिया जाता है, हमेशा वैल्यू लेफ्ट की पिकअप की जाती है, तो इसके लेफ्ट में क्या है, सी माइनस वन। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो होगा सी माइनस के वन, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस के वन माइनस के एच, एच की जगह जीरो रखो तो ये वन आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, वन, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फॉर्मूला वही, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन सी प्लस एच, क्योंकि सी पे काउंट कर रहे हैं तो सी प्लस एच, क्योंकि एक ही फंक्शन गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेना है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेना है। रखूँ x की जगह पर मैं क्या रखना, c प्लस एच, ये तो सिंपल वाला है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ये c प्लस एच है, इसकी लेफ्ट में आ जाऊँ तो लेफ्ट में क्या है, c है, इसकी वैल्यू कितनी है, c, सिंपल, तो प्लस का c माइनस का c कैंसिल, यहाँ से सिर्फ ओनली h बचेगा, h के प्लस पर ज़ीरो रख दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आया तो वन, राइट हैंड लिमिट आया ज़ीरो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। यही हमें बोलना था, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, हमने आराम से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इज द फंक्शन डिफाइन बाय दिस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई, ये हमसे बोला है, क्या ये एक्स इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूस है कि नहीं वो हमें बताना है। सो एक ही फंक्शन है, एक ही पॉइंट है, अगर चेक करने के लिए बोला है इज, सो बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट करने का, चेक करने का, 20 इसे करने के वैसे दो तरीके थे, एक थोड़ा लॉन्ग था एक थोड़ा शॉर्ट था, तो जो ईजी है वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट वाला। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस की साइन एक्स प्लस पाँच,
और हमें किस पे चेक करना है, एट एक्सिस कस टू पाई, पाई पे हमें चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। देखो एक ही फंक्शन है, एक ही पॉइंट पर है, अगर इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देती है तो हमें पता है कि हर एक कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो उस हिसाब से बात बन जाएंगी। किस हिसाब से, लिमिट एक्सटेंस टू ए, फंक्शन है अगर एफ ऑफ ए के रूप में आ जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। तो इस मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लगम भी इसमें आप लगा सकते हो, तो वो आपका थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो जो छोटा है वही मैं लगा रहा हूँ। कितना है हमारा एक्सटेंस टू पाई और फंक्शन एक्स, फंक्शन एक्स के हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस फाइव, पाई की वैल्यू रखो, ठीक है। आपको पता है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ ज़ीरो होता है, यहाँ पाई होता है, जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होती है, बस नेगेटिव आ जाता है। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, ज़ीरो का नेगेटिव भी ज़ीरो होता है, तो आपको पता है साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर फाइव, पाई स्क्वायर प्लस फाइव के रूप में आ गया। सो ये एफ ऑफ पाई के फॉर्म में है, यानी कि एफ ऑफ सी के फॉर्म में, कांस्टेंट फंक्शन के रूप में है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू पाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। चलिए 21 में आते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम है, कैन आई डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये जो तीन फंक्शन है हमें, इनके हमें क्या डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी, ठीक है। सो देखो फंक्शन हमेशा बेहतर कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट हमें गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में दिया है क्या, सिर्फ फंक्शन गिवन है, पॉइंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें रैंडम पॉइंट हमें खुद से सेलेक्ट करना है तो सी लेट कर लो, एंड फंक्शन अगर साइन कॉस टेन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है तो कोशिश करनी है कि उसको एक ही टर्म के फॉर्म में लाया जाए, ठीक है। तो वही अप्रोच मैं यहाँ लगाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 21 का जो फंक्शन है मेरे पास, वो मेरे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है। सो देखो मैं क्या करूँगा, मैं रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा इसको, नहीं पड़ेगा। सो देखो मैं जो अपॉन में रूट टू है उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है वन बाई रूट टू जो होता है साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है और कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू भी होती है, ये साइन में है तो इसे कॉस में लिख दो, कॉस पाई बाई फोर, ये कॉस में है तो साइन पाई बाई फोर लिख देते हैं। और आपको पता है साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है ना ये फॉर्मूला, तो उसका यूज़ कर दूंगा। तो ए के प्लेस पे तो देखो एक्स है और बी के प्लेस पे पाई बाई फोर, तो देखो ये एक दो टर्म के फंक्शन में था जिसको मैंने सिंगल टर्म के फंक्शन में चेंज कर दिया है, अब जो मेरी कैलकुलेशन है वो बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी, देखिए कैसे, अब एक्स स्क्वायर टू सी पर चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है ना स्पेसिफिक, ठीक। सो इसे करने के भी दो तरीके हैं, या तो एफ ऑफ सी के रूप में प्रेजेंट कर दो, हाँ, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को तीनों को क्या कर दिखाऊँ, इक्वल दिखाऊँ, ठीक है, आपकी चॉइस है। सो मैं तो कहूँगा कि
फंक्शन सी के फॉर्म में दिखा देते हैं डायरेक्ट। एक डिटेल वाला कर लेते हैं है ना, बड़ा वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी पे कर रहे हैं सी माइनस एच। तो जहां जहां हमारा एच एक्स है वहां वहां मेरे को क्या रखना, सी माइनस एच रूट टू शाइन। एक्स की जगह पर मेरे को क्या रखना है, सी माइनस एच। यहाँ पर भी रखना है सी माइनस एच प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, तो डायरेक्ट रख दो एच की जगह पर जीरो, उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रूट टू शाइन सी, और यहाँ से आ जाएगा एच की जगह जीरो रखना ना, तो सी प्लस पाई बाई फोर। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर वन। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, अब ये हो जाएगा सी प्लस एच है ना, क्योंकि एक ही फंक्शन है। अब एक्स की जगह पर मेरे को क्या रखना है, सी प्लस एच। ठीक है, तो एच की जगह पर जीरो रखो। अच्छा, रूट टू छूट गया था, एच की जगह मैं जीरो रख दे रहा हूँ और डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू टी फंक्शन एक्स, इसकी वैल्यू भी अगर सही वही आ जाती है ऊपर वाले की तरह तो बात बन जाएगी। एक्स की जगह सी रखो, सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है, देयरफॉर हेंस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये पहला वाला तरीका है, ठीक है, लॉन्ग मेथड वाला। तो आपकी चॉइस है, पहले वाले को मैंने लॉन्ग से कराया, इसके सेकंड वाले को शॉर्ट से कराऊंगा। तो जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में उसको कर सकते हैं। ये प्लस का था, ये माइनस का है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी तो वही क्वेश्चन है। नाउ सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सब कुछ वही रहेगा। मैं फिर से वही काम करूँगा, रूट टू से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, और ये वाला रूट टू अंदर से मल्टीप्लाई कर दूँगा। साइन एक्स वन बाई रूट टू, ठीक, रूट वन बाई रूट टू की वैल्यू आपको साइन कॉस के फॉर्म में लिखनी है। ये चीज़ आ गई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसके इक्वल होते हैं, साइन ए माइनस बी के, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर पाई बाई फोर। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन मैंने लॉन्ग मेथड से किया था, अब इस वाले क्वेश्चन को मैं शॉर्ट मेथड से करूँगा। अब आपको जो मेथड आपको एग्ज़ाम में अच्छा लगे उसे छाप देना, ठीक है, सही हो जाएगा। तो देखो नाउ जो सेकंड अप्रोच है उसको मैं रखूँगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू सी, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। तो सी कुछ भी पॉइंट अगर होता है तो उस पर कैसे चेक करेंगे। अगर मैं इसे फंक्शन सी के फॉर्म में दिखा देता हूँ तो कंटिन्यूस होगा, फंक्शन क्या है मेरा ये है।
अच्छा, मेरे को थोड़ी सी मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने को थोड़ा सा गड़बड़ किया था। थोड़ा सा गड़बड़ का मतलब क्या है कि देखो, यहाँ से यहाँ एक्स नहीं था और मैंने एक्स लिख दिया था ना, तो ये गड़बड़ी मेरे से हुई थी। सो उसको इग्नोर मानना, ठीक है ना। ये गड़बड़ी हुई, यहाँ पर सी नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। बाकी आप उसको एलिमिनेट करके देख सकते हैं, यहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ। तो सी रख देंगे एक्स के प्लेस पे, एक्स तो √2 साइन सी -4, यानी कि एफ सी के फॉर्म में आ गया, देयर फॉर इट इज़ कंटिन्यूस। ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट तरीका। सो आपको ये मेथड अच्छा लगा या वो मेथड अच्छा लगा, जो आपको अच्छा लगा एग्ज़ाम में कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट अपन के पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ एक्स क्या है, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। सो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो आपको पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, ठीक है। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। तो ये फंक्शन आ गया, उसी तरीके से कर लेंगे। सो एफ ऑफ सी के रूप में दिखाओगे तो ये आ जाएगा 1/2 sin 2c, या फिर एल एच एल चल वाला मेथड लगाओ, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। 22 में आते हैं, कह रहे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोस कोसेकेंट मतलब कोसेक सेकेंड एंड कॉटेज फंक्शन, इन सभी की कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। सो एक बात समझ लो, अगर जो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं करते हैं, उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पे ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, सिंपल। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। सो पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहला पॉइंट किसके लिए बात बोला है, कोसाइन। कोसाइन के लिए बोला है, कुछ भी एक रैंडम पॉइंट चूज कर लो, एट एक्स इक्वल्स टू ए ले लेते हैं, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू ए ले लिया, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एक्स, फंक्शन में रखें कोसाइन, मतलब कॉस एक्स। तो यहाँ रख देंगे हम एक्स की जगह पर, तो ये क्या जगह कॉस है, यानी कि एफ ऑफ ए के फॉर्म में आ जाएगा, देयर फॉर इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये एक्स एक हमने रैंडम कोई पॉइंट चूज किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉश एक्स है आर्बिट्री हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। सेकेंड हम इसके लिए किसके लिए बोला था, कौशक एक्स के लिए। अगर हमारे पास फंक्शन क्या दिया जाए, कौशक एक्स। सो मैंने अभी आपको बोला कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं, एक्सेप्ट ये जिन पर डिफाइन नहीं करते उनको छोड़कर। तो मैं वही लिखूँगा, सिंस फंक्शन एक्स, यानी कि मतलब कौशिक एक्स, ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई। एक्स इक्वल्स टू एन पाई पे ये जो फंक्शन होता है वो डिफाइन नहीं करता है, और ये जो एन आता है ना वो जेड से आता है, यानी कि इंटीजर से आता है, ठीक है। इस पॉइंट को छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी पॉइंट हैं, उन सब पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो वही लिखेंगे, दस दस फंक्शन एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। कोसेक की भी बात हो गई, अब हम बात करेंगे थर्ड सेक एक्स की। इसकी बात करेंगे, सो फिर से वही लिखूंगा,
जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं करता, सिंस फंक्शन एक्स इज नॉट डिफाइंड एट, किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं करता, डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 2n+1π/2, वेयर ये जो n बिलोंग करता है वो z इंटीजर से। इस पॉइंट को छोड़कर दुनिया के सारे पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइन करते हैं। दस फंक्शन x इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल्स टू π/2 2n+1। ठीक है, ये लिख देंगे आप। और कौन सा फंक्शन बच रहा है हमारे पास, कॉटेक्स। फोर्थ कॉटेक्स की बात भी कर लेते हैं। ठीक, कॉटेक्स की बात करते हैं। सो देखो, कॉटेक्स किस पे डिफाइन नहीं करते हैं, उसको मेंशन कर दूं। फंक्शन x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू एन पाई, और यहाँ से n जो आता है वो z से आता है, तब क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन x इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल्स टू एन पाई। आंसर ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट, 24 वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है तो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें बोल रखा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स, क्या दे रखा है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये तब हमें लेना है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम हो, और एक्स प्लस वन हमें तब लेना है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हो। यानी कि हमें एक्स पे देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो पर चेक करें तो ज़ीरो माइनस एच। ठीक है, एल एच एल का मतलब होता है किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो आप, ज़ीरो पे, तो ज़ीरो से कम के लिए, ज़ीरो से कम के लिए ये छोटा वाला इसकी तरफ मुँह है, ये फंक्शन है हमारे पास। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना, ज़ीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच, तो हमें यहाँ रखना है माइनस एच, माइनस एच। ठीक है, आपको बताइए, आपको क्या बताएं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होते हैं, और ये आइडेंटिटी तो पढ़ के ही आए हो क्लास 11th में, लिमिट एस टेन जीरो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, वन, पढ़ के आए हो ना क्लास 11th से ही पता है हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा वन है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ज़ीरो प्लस एच, यानी कि ज़ीरो से बड़े के लिए, ज़ीरो से बड़े के लिए ये फंक्शन है हमारे पास। तो जहाँ एक्स है वहाँ पे मेरे को क्या रखना, ज़ीरो प्लस एच, दैट मीन्स एच रखना है यहाँ पर, तो एच प्लस वन, एच की जगह ज़ीरो रख दो तो ये भी वन आ गया। अब हमें क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो फंक्शन एक्स, तो एग्जैक्टली ज़ीरो पे क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो एग्जैक्टली ज़ीरो के लिए ये फंक्शन लेना है हमें, एक्स प्लस वन, एक्स की जगह ज़ीरो रखो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, सिंस एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन ज़ीरो,
देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। यानी कि इसमें ऐसा कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट है ही नहीं, या बोल दोगे। तो कितना सिंपल था, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो ये भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहे हैं डिटरमाइन इफ फंक्शन हमारा ये डिफाइन किया हुआ है, क्या ये 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को देख के मेरे को आइडिया लगा कि मेरे को किस पे चेक करना है, 0 पे। तो देखो ये हम जो चेक कर रहे थे 0 से कम के लिए, 0 से बड़े के लिए, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, 0 के लिए ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये डिसाइडेड नहीं है कि ये फंक्शन 0 से कम के लिए है या 0 से ग्रेटर के लिए, ठीक है। ये ज़रूर बोलते हैं कि 0 नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना है, LHL में भी इसी को कंसिडर करना है और RHL में भी इसी को ही कंसिडर करना है, ठीक। ये पता चला हमें 24। सो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और ये तब है जब x की वैल्यू 0 नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और हमें चेक किस पे करना है, 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 माइनस h, 0 माइनस h क्या होता है, -k h। तो ये हमारा फंक्शन है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको क्या करना है, -k h रख देना है, ठीक। ये चीज़ हो गई, ओके। तो यहाँ से तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट, ये चीज़ क्या हो जाएगी, h स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/-k h। तो h की जगह पर 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर इंटू -k sin 1/0 ना। तो 0 into sin infinity is 0, क्लियर। सिमिलरली आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, जीरो प्लस h। अब फंक्शन में आपको क्या रखना है, x की जगह पे h रख देना है बस, यहाँ पर। तो वही चीज़, h की जगह पे 0 रखोगे, 0 into something 0 हो जाएगा, और उस पॉइंट पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन x। तो 0 पे तो हमारा फंक्शन ऑलरेडी क्या दे रखा है, 0 दे रखा, तो उतना कुछ सोचना ही नहीं है, तो 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन 0, ठीक है। तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ये पता चल गया हमें, यही हमसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 25, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। क्या कह रहे हैं, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई दिस, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। करते हैं हम, सो देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और ये तब है जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, और -1 तब है जब एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास, हमें किस पे काउंट करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो वही चीज़ है, 0 नहीं है, यानी कि 0 से कम के लिए भी यही कंसिडर करना है, और 0 से ग्रेटर के लिए भी यही कंसिडर करना है फंक्शन। लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का मतलब -h, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -h रखो, तो
साइन माइनस थीटा क्या होता है? लिमिट एस टेंड टू साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन एच, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। एच की जगह पर ज़ीरो रखो, साइन ज़ीरो कॉस ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन, तो ये आ गया माइनस के वन। ठीक, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड के लिए भी वही फंक्शन है, ज़ीरो प्लस एच का मतलब होता है एच, तो साइन एच कॉस एच यहाँ पर रखना है। एच की जगह पर ज़ीरो रखोगे तो साइन ज़ीरो कॉस ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन, तो ये भी आ गया माइनस के वन। अब ज़ीरो पे चेक करते हैं हम, और ज़ीरो पे एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है? माइनस के वन। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल हैं। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 29 में, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूड एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज 26 टू 29। इंडिकेटेड पॉइंट का मतलब होता है ये जिन पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। इन पॉइंट पे हमें फंक्शन पहले से ही बोल रखा है कि कंटिन्यूस है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू पता करनी है। शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही आसान है। सो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारे पास के कॉश एक्स पाई माइनस टू एक्स, ये तब है जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू नहीं है और पाई बाई टू पर इतना है। फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है ये बोल रखा है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब जब कंटिन्यूस होता है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन किस पर? पाई बाई टू पर, तीनों इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि सारा निकालते रहो, आर एच एल निकाल लो या फिर एल एच एल निकाल लो तो बात बन जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली पॉइंट पे हमें वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम आर एच एल निकालेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। आर एच एल लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं? पाई बाई टू पर, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन पाई बाई टू प्लस एच, तो ये लेना हमें दोनों केस में है ना। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रख देंगे? पाई बाई टू प्लस एच कॉस पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप मैं लेफ्ट लिमिट लिमिट कर लेता हूँ एल एच एल, तो मेरे को बस यहाँ क्या करना होता? माइनस के एच, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट ही कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस एच कर लिया मैंने। दोनों ही केस में यही फंक्शन लेना है, ऐसा किया है ना अभी हमने। सो देखो, और अपॉन में क्या है हमारे पास? पाई, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है? पाई बाई टू माइनस के एच। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और यहाँ से देखो पाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई टू से टू कैंसिल, पाई माइनस माइनस प्लस टू एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा के बाई टू साइन एच बाई एच। तो इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे, के बाई टू बाहर ले लेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच। इसकी वैल्यू कितनी होती है?
ये तो एक आइडेंटिटी है, वन होती है। तो ये मेरे को मिल गया के बाई टू। राइट हैंड लिमिट पता है और लेफ्ट और पॉइंट की वैल्यू तीन ऑलरेडी गिवन है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूट एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट फंक्शन पाई बाई टू के इक्वल होगी। तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों तीनों इक्वल है ना, तो मैं इसको और इसको इक्वल ले रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हमने, वो निकाला है के बाई टू, और एफ बाई टू पर वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू तीन है, तो के की वैल्यू क्या होगी, सिक्स। आंसर ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या हमारे पास फंक्शन एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब दो से छोटे के लिए ये है और दो से बड़े के लिए ये है और दो पर भी यही है, ठीक है। इस कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, दो पे कंटिन्यूस बोल रखा है। तो देखो मेरे को आर एच एल की वैल्यू पता है सीधी सीधी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, दो से बड़े के लिए। हियर राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितना है, डायरेक्ट थ्री पता चल रहा है। सो बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या फिर टू पे निकाल लेते हैं। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू टू फंक्शन एक्स, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की तीनों वैल्यू इक्वल होगी आपस में। सो वो आइडिया मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से टू पे भी यही फंक्शन है, एग्जैक्टली टू पर, तो रख दो टू यहाँ पर, तो के फोर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूड एट एक्स स्क्वायर टू टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसकोस टू फंक्शन टू के इक्वल होगा। सो मैं अपनी सुविधा के लिए राइट हैंड लिमिट और इसको इक्वल लेता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितना है, देखो डायरेक्ट तीन है और फंक्शन के टू की वैल्यू अपने फोर के निकाली है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री बाई फोर। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से हो गया। 28 पे आ जाऊं, ठीक है, 28 29 सेम तरीके से है। यह कि x प्लस वन तब है जब x की वैल्यू पाई और पाई से छोटे के लिए ये फंक्शन है और पाई से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, और ये भी कि पहले से ही बोल रखा है कंटिन्यूस है एक्स स्क्वायर टू पाई पर, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ हमारे पास है, पाई पर चेक करना है हमें। तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू पाई फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या है, पाई एग्जैक्टली पाई पे गया है, के एक्स प्लस वन, क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये लेना है हमें, एक्स की जगह पे पाई रखो तो के पाई प्लस वन, ये चीज़ आ गई, ठीक है, के के टर्म में तो ये आ गया। अब ये ले लो आप, अब हम निकाल लेते हैं पाई पर, राइट हैंड लिमिट पाई पे चेक करें तो पाई प्लस एच, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके तो पाई पे चेक कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन फंक्शन सॉरी पाई से बड़े के लिए, ये है ना आर एच एल पाई से बड़े के लिए, ये लेना हमें। तो
तो कॉस एक्स की जगह पे क्या रखना, पाई प्लस एच। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। एच की जगह पे जीरो रख दोगे तो कॉस पाई आ जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस पाई आना, कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस के वन। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस के वन। अब क्या है देखो, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई, पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होंगी। सो हम अपने अकॉर्डिंग आरएचएल को और इसको इक्वल ले लेंगे, तो आरएचएल हमारा आया माइनस के वन और ये आया हमारा के पाई प्लस वन, तो माइनस टू के पाई, तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू अपॉन पाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। एक क्वेश्चन में आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, अब तक मैंने सारे क्वेश्चन खुद ब खुद किए हैं ना, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, जैसे ये सारे किए मैंने उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा। फाइव पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ज़रा के की वैल्यू निकाल के मेरे को कमेंट में करना आपका आंसर, मैं आपके आंसर सही आने पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, ये 29 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइन बाय दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। हमें पहले ही बोल रखा है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि 2 पे भी कंटिन्यूस है और 10 पे भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो 2 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है और 10 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सो उस बेस पे आपको ए और बी के बीच में कोई रिलेशन या फिर कोई वैल्यू निकालनी है दोनों की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फंक्शन एक्स 5 है, फिर ए एक्स प्लस बी है 21 है, ये 2 या 2 से कम के लिए है, ठीक ये चीज़ है। तो 2 पे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एल एच एल के लिए क्या होता है 2 माइनस एच, 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए ये फंक्शन है तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आर एच एल क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच, 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, देखो बड़ा वाला मुस्तरब है ना, तो यहाँ से लग देंगे ए एक्स की जगह पर रखेंगे 2 प्लस एच प्लस बी, एच की जगह 0 रखोगे तो यह आ जाएगा 2 ए प्लस बी। ठीक है, कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के, यानी कि 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी, पहला इक्वेशन। ठीक है, 2 पर हो गया, अब हम किस पे बात करेंगे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है आपके पास, अगर कोई 2 अननोन वेरिएबल हैं तो कम से कम 2 लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए उन वेरिएबल्स में, तभी आप उनके आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन बनती है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, अगर कोई एक बनती है तो, और अगर 2 बनती हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। एक्स इक्वल्स टू 10 पे देखो बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट, कोई बात नहीं, राइट हैंड लिमिट पहले निकालो लेफ्ट हैंड निकालो एक ही बात है, तो फंक्शन 10 प्लस एच, तो 10 से बड़े के लिए फंक्शन हमारे पास क्या 21। ठीक है,
ये राइट हैंड लिमिट मेरा 21 है, अब मैं निकाल लूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट, 10 माइनस एच, तो 10 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है लिमिट एक्सटेंस 0 ए, एक्स की जगह पे मेरे को क्या रखना है 10 माइनस एच, और फिर प्लस में क्या है बी, एच की जगह पे 0 रखो तो ये आ जाएगा 10 ए प्लस बी। फिर आप कह रहे हो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 10, देयर फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये चीज इसके इक्वल होगी 10 ए प्लस बी इक्वल 21। इसे हम इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर ए है, ये मेरा इक्वेशन नंबर बी है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना आप और आप आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग ए एंड बी वी गेट ए एंड बी, ये तो सॉल्व खुद कर लोगे ना, ये मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना इन दोनों क्वेश्चनों में, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ये तो बच्चों का चीज़ है ना, ये मैं करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसे आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 सेम वे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को करने के दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग मेथड है, ठीक है, जो मैं पहले करा चुका हूँ उसे आप रहने दो। बाकी जो इस वीडियो में मेथड बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल और सटीक मेथड है, बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और उस हिसाब से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इन चार क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तीन चार क्वेश्चन में देख लीजिए, बहुत ही बेसिक और सिंपल से कॉन्सेप्ट है। क्या है, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, देन जो उनका कॉम्पोजिशन फंक्शन होता है, देन कॉम्पोजिशन फंक्शन आपने एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ा होगा उसके बारे में हल्का फुल्का, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप सीख भी जाएंगे। कॉम्पोजिशन फंक्शन एफ जी एक्स, अगर वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको इन क्वेश्चनों में यूज़ करना होगा। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, उस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, फंक्शन हमारे पास है कॉश एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स के हमारे पास कॉश एक्स स्क्वायर। सो हमें दो फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन हमें दिख रहा है कॉश एक्स और एक फंक्शन दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर, तो हम लेट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एफ एक्स दिया हुआ है, तो कुछ और लेट करते हैं। लेट एच एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और हम मान लेते हैं जी एक्स जो कि है कॉश एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, पॉलीनोमियल है, और आपको पता है हर एक पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और ये जो कॉश एक्स है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू आर पर, हर एक रियल नंबर पर कॉश एक्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। सो आपको ये बताना पड़ेगा थोड़ा, क्या लिखेंगे, सिंस एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलीनोमियल hence it is continuous everywhere, ठीक है। also जो हमारा जी एक्स है cos x is continuous, ठीक है, जो हमारा ये continuous function है कि in its, इसकी जो domain है, in its domain
एक्स बिलोंग्स टू आर पर, एक्स इक्वल टू, अगर आर से कोई भी मेंबर लोगे तो हर एक आर पर, हर एक रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इसका जो कंपोजिशन फंक्शन है, सो जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन है जी ऑपरेशन एच, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जी एच एक्स, ये भी क्या होगा, कंपोजिशन फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस होता है। तो देखो जी एच एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब जो जी है, ठीक है, जी हमारे पास क्या है, ये एक्स की जगह पर मेरे को क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, यानी कि कॉस तो है ये, एक्स की जगह पर क्या रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। हो गया, आराम से हो गया, ठीक है। इसी फंक्शन को हमने दिखा दिया कंपोजिशन फंक्शन के फॉर्म में, और ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में जो क्वेश्चन हमें दे रखा है fx, वो हमें दे रखा है मॉडुलस का cos x, बस, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो आपको वही वही लॉजिक लेट करना है, लेट मैंने आपकी बार जी एक्स को लेट कर लिया, कॉश एक्स और मॉडुलस है, और मैं एच एक्स को लेट कर लेता हूँ सिंपल एक्स, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक्स है तो सिंपल का मॉडुलस एक्स लेट कर लिया। ये अभी मैंने बताया था कि ये कंटिन्यूस है ना, और ये जो क्या है, ये एक मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, इसलिए सो इट इज कंटिन्यूस। ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो जो रूल मैंने अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना, इसका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर एच ऑपरेशन जी एक्स, एच यहाँ लिख देंगे जी एक्स, ठीक, एच जी एक्स अपन के पास क्या है, कॉस एक्स। अब एच हमारे पास क्या है, मॉडुलस का एक्स, तो एक्स की जगह पर मेरे को क्या रखना है, कॉस एक्स, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सो इट इज कंटिन्यूस। इस फंक्शन को कंटिन्यूस बताएं, इस फंक्शन को भी कंटिन्यूस बताएं, तो इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। सो जो गिवन फंक्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ये भी हो गया। सिमिलरली आपका साइन एक्स वाला भी हो जाएगा, जैसे कॉस एक्स वाला हुआ वैसे ही आप साइन एक्स वाला भी कर लेना, साइन एक्स वाला आप खुद कर लीजिएगा, मॉडुलस का साइन एक्स, ठीक है, इसको आप खुद कर लेना, ये तो हो जाएगा। अब आ जाओ ये जो प्रॉब्लम है 34, इसे करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग वाला है, बहुत लंबा जाएगा, इसको करने में कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, और यही क्वेश्चन 34 है, इसको मैं 2 मिनट में कर दूंगा इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी आपको बताया। बस लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक क्या है, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे, ऐड करो या माइनस करो तब भी कंटिन्यूस ही आएगा। अगर दो फंक्शन सेपरेटली कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ पर कर देंगे और इस क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो वही बोलना है 34 में, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन, इस मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन ये बोलते हैं हम, ठीक है, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब देखो लेट, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो ये जी एक्स है,
एंड ये एच एक्स है, इसको मैंने जी एक्स बोल लिया, इसको मैंने एच एक्स बोल लिया, ठीक है। ये क्या है, एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है और ये कंटिन्यूस है, दोनों के लिए बात हो जाएगी, दोनों के लिए एक ही लाइन आएगा, इट इज एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। सो इट इज, जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, सो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू आर। ये लैंग्वेज दोनों के लिए है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, बस इसमें प्लस वन कर दिया गया है, वन भी तो कॉन्स्टेंट ही है, तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है इसलिए दोनों ही कंटिन्यूस है। सो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ये हम लिख देंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। हमसे यही पूछा था ना कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, तो आप क्या लिख दोगे, सिंस जी एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एच एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, देयर फोर डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शन इज अगेन एंड अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयर फोर एंड पे आप क्या लिख दोगे, देयर फोर देयर इज नो पॉइंट एट विच फंक्शन एक्स इज डिसकंटिन्यूस, मतलब एक्स इक्वल टू आर से कोई भी एक पॉइंट उठाओगे हर बार ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा।